आध्यात्मिक मार्ग में जब एक साधक निकल पड़ता है तो उस मार्ग में उसे एक मंत्र की जरूरत रहती है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जो मंत्र उसको गुरु द्वारा प्रदत्त किया हुआ हो या फिर वह मंत्र उसके इष्ट देव का हो, इष्ट जैसे कि राम कृष्ण हरि ये मंत्र हो या फिर गुरु द्वारा दिया गया गुप्त मंत्र हो जिसका स्मरण करना पड़ता है बारंबार। अब इसका सबसे सरल विधि क्या है, यानी मंत्र जाप की सबसे सरल विधि क्या है जिसके माध्यम से कि वे मंत्र भीतर ही भीतर चलता जाए और भक्त को आभास भी ना हो कि हाँ भीतर चल तो रहा है, बस ये उसको लगता रहे वो भीतर ही भीतर वे उसके सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता जाता है। और मंत्रों का हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और सरल विधि जिसको बताया गया है मैं आपसे साझा करता हूँ, आप इसे थोड़ा ध्यान से सुने। देखिए मंत्र जाप की सबसे सरल विधि जो होती है वो होती है कि मुख से उसे बोला जाए, सर्वप्रथम कि मुख से बोला जाए, ये सबसे सरल है कि मंत्र का जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से उसका उच्चारण कर दिया जाए। उसी प्रकार से आपको प्रत्येक मंत्र का उच्चारण, जैसे कि हर मंत्र का उच्चारण ऐसे खुले में नहीं करना, जैसे गुरु मंत्र दिया होता है तो उसको आप खुले आम नहीं कर सकते हैं, उसको आप एक निश्चित स्थान पर बैठकर ही बोल सकते हैं जिस जो आवाज़ आपके कानों तक ही रहे और दूसरों को उसकी आवाज़ सुनाई ना दे। गुप्त मंत्र का उच्चारण वैसे किसी के सामने नहीं करना चाहिए, गुरु मंत्र का उच्चारण किसी के सामने नहीं करना चाहिए। अब ये ध्यान रखें कि तीन मंत्र जाप की तीन विधियां हैं, एक तो वाचिक उपांशु और एक मानसिक जाप जिसे प्राण जाप भी कहा जाता है। वाचिक मुख से बोला हुआ, उपांशु होंठ हिलते हुए, और मानसिक जाप जो भीतर मन में चल रहा है, मानसिक रूप से चल रहा है। ये मानसिक तीन विधियां हैं जिसमें सबसे सरल होती है आपके वाचिक जाप। देखिए वाचिक जाप को बोलने का फायदा क्या है, देखिए वाचिक जाप जिसको सबसे सरल विधि कहा गया, वाचिक जाप को बोलने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये आपको भ्रमित नहीं करना देता है कि आप मुख से जैसे कि राम बोल रहे, राम 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 धीरे धीरे बोलना चाहिए। कोई कोई भक्तगण होता है जिसमें मैंने काफ़ी देखा है कि माला ऐसे फेरा फटाफट फटाफट एक एक मन का निकाल रहे हैं, उनको क्या संख्या पूरी करनी है सर्वप्रथम, कि उनका निर्धारित रहता है कि इतना तो करना ही है, तो उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान ना दे कि आपको संख्या पूरी। सबसे बड़ी होती है कि तन्मयता लाना उस मंत्र में, उस आपकी चित्त उस प्रभु के प्रति, उस मंत्र के प्रति, उस नाम के प्रति इतना हो जाना चाहिए कि उसमें चित्तवृत्ति उसमें समा जानी चाहिए पूर्ण रूप से। वो बॉडी महत्वता देती है, संख्या यहाँ पर मैटर नहीं करती है क्योंकि संख्या केवल एक ही काफ़ी होती है। जब वह आपके रोम रोम में बस जाएगा तो आपके द्वारा बोला गया एक ही नाम पूरे जगत का कल्याण कर सकता है, इतनी शक्ति रखता है गुरु मंत्र या मंत्र जाप। केवल एक ही मंत्र एक ही बार उच्चारण किया गया, इसलिए कहा गया संख्या यहाँ पर निर्धारित यानी इतना महत्व नहीं देती है, लेकिन संख्या निर्धारित इसलिए की जाती है ताकि आपकी बुद्धि जो विचार बारंबार लाती रहती है मन को भटकाने के लिए, इसलिए वो विचार कहीं और ना जाए, इसलिए वहाँ संख्या भी निर्धारित की जाती है कि आप ज़्यादा भटके ना इधर उधर के विचारों में। इसलिए क्योंकि जब तक वह कंप्लीट ही नहीं होगा आपके यथाउचित जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, जब तक आप तक आपकी बुद्धि और जगह भ्रमित जा नहीं पाएगी। इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको वाचिक जाप करना है, शुरुआती रूप में तो वाचिक ही करना पड़ेगा आपको, जैसे कि वाचिक भी वहाँ करें कि जहाँ पर आप मुख से बोलते रहें धीरे 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 बोलते रहें, ताकि आपको बोला और कान में गया, कान के माध्यम से आपके भीतर हृदय में उतर जाएगा वे, है ना, मस्तिष्क में घुमा, फिर मस्तिष्क में घूमकर उसका स्वरूप निर्माण करके सीधा आपके घट में उतर जाएगा हृदय में वो नाम। इस प्रकार से आपको उच्चारण करना है धीरे धीरे, जैसे कि राम राम, जैसे कि श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राधे श्री राधे, इस प्रकार से धीरे से बोले, उसके एक एक
शब्द को जाने, एक एक स्वरूप को जाने कि हाँ ये यही है जो है, यही है प्रभु, उस मंत्र में घुल जाए एक तरह से, और उसको अंतिम लक्ष्य माने कि इस मंत्र का जाप मुझको अंतिम समय तक करते रहना है, भले ही कुछ भी हो जाए। अब मानसिक, अब इसके बाद उपांशु करते हैं काफी लोग, मगर अब मानसिक जाप की यहाँ पर बात करते हैं। इसके पश्चात मानसिक जाप आ जाता है। देखिए मानसिक जाप सबसे उत्तम श्रेणी माना गया है मंत्र जाप में, कि इस प्रकार से जपना बहुत उत्तम होता है, क्योंकि इससे आभास नहीं होता है कि पास वाला क्या कर रहा है, और साधक का पता नहीं चलता कि प्रत्येक कोई भी कार्य करते रहे, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा आप कर क्या रहे। इसके लिए सबसे अच्छा माना गया है मानसिक जाप। मानसिक जाप से होता भी यह है कि आपके भीतर ही भीतर वे अंग विकारों को धीरे 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 विकारों को समाप्त करता रहेगा, नाश करता रहेगा। काम क्रोध ऐसी ये ईर्ष्या भावना और अहम भावना, उन सबको समाप्त करता रहेगा अंदर ही अंदर। मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, और इसको निरंतरता से मानसिक जाप, और देखिए एक समय आपको बताता हूँ, उस समय इसका उच्चारण जरूर करें। मंत्र जाप का आप ब्रह्म मुहूर्त में तो अवश्य उच्चारण करें, बिल्कुल अवश्य, यानी इसको एक तरह से अनिवार्य रूप माने कि इसको अनिवार्य रूप से ब्रह्म मुहूर्त में करना, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य वे पूरे दिन तक चलता है, एक तरह से मान के चलिए। ब्रह्म मुहूर्त में आपने मंत्र जाप किया, अवचेतन मन, जो अवचेतन मन के माध्यम से आपके भीतर पे समा गया एक तरह से, अबे पूरे दिन आपके भीतर वही चलता रहता, यानी रट्टू तोता बन जाता है, भीतर ही भीतर वही चल रहा है, वही वह चल रहा है, मंत्र जाप ही चल रहा है केवल। और जब ये अजपा जाप में बदलेगा धीरे धीरे, जब आपको ये शक्ति प्रदान करने लगेगा भीतर ही भीतर, इतनी एनर्जी आने लगेगी आप में कि नहीं आप और सारे कार्य कर सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, इच्छा शक्ति प्रबल हो जाएगी, और आंतरिक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह इतना होगा कि आपको ऐसा लगा कि समाज के कल्याण के लिए कुछ ऐसा बड़ा कार्य किया जाए जिससे कि सबका हित हो, यानी हित के प्रति समाज में आप दूसरों के प्रति सोचने लग जाते हैं। जब आप स्वयं को नहीं मानते कि मेरे लिए भी कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, आप दूसरों के कल्याण के लिए कुछ करना चाहेंगे, ऐसी वृत्ति आपकी हो जाती है, चित्त का इतना शुद्धतम एक तरह से रूपांतरण होता है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी तो क्या है कि मैं फंस रखा है पूरा, मैं कि मेरे लिए ये उत्तम है, मेरे लिए ये, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे ये लिए, इस प्रकार से सब मैं। ये जब मैं की वृत्ति जब हट जाएगी पूर्ण रूप से, तब आपको सामने का लक्ष्य बिल्कुल सीधा और सटाक, यानी बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि मेरा मार्ग है, बस बुद्धि को परमित किए बगैर मुझको इस मार्ग पर चले जाना है। मंत्र जाप की शक्ति का आपको अनुभव नहीं है कि यह आपके जीवन में कितने बड़े बड़े कार्य कर सकता है। इस धीरे धीरे देखिए इसको सरल, इसका सरल सबसे रूप होता है कि इसको मुख से बोला जाए शुरुआती रूप से, और ऐसी जगह बैठ के बोले कि हाँ कोई आसपास में, ऐसा नहीं आप कहीं बैठ गए और उसका उच्चारण कर रहे सबको सुनाई दे रहा है, सारे गुप्त रूप से रखे। जैसे कि आपके पास मान के चलिए 1,00,000 रुपए की गड्डी आपके पास, 50,000 1,00,000 आप जैसे कि बाहर लेके जाते हैं, तो कैसे आपके भीतर एक डर रहता है कि कुछ इसको ये भेद जो कर ले जा रहा हूँ एक तरह से पैसों का, कोई उजागर ना हो जाए, किसी चोर को पता चल जाएगा तो मेरे पर नजर रखे रखेगा कि ये कब अकेला रहे और कब मैं उस खजाने को पार कर लूँ 1,00,000 रुपए। इस प्रकार से गुप्त मंत्र, जो मंत्र है उसको इस प्रकार से आप संभाल के रखें गुप्त तरीके से कि किसी को इसका भेद ना पता चले, चलता जरूर जाए कि हाँ मेरे पास एक भीतर है चल रहा है, मगर पता किसी को चलना जाए। इस प्रकार से इसको गुप्त ही रखें, निरंतरता से जाप करते रहें, समाज में क्या हो रहा है, मगर आपका एक चित्र निर्माण भीतर ही भीतर ऐसा करना है कि जिससे कि आपकी प्रवृत्ति एक साधु रूप में होने लगे, यानी साधु के समान आपके लक्षण होने चाहिए, गुण होने चाहिए, भले ही ये समाज ये
आपका आसपास का पर्यावरण किसी प्रकार का हो, कैसे ही लोग में रह रहे हो, मगर एक आपकी बुद्धि जो होनी चाहिए वह एकदम संस्कारी, गुणकारी और एक साधु रूपी वृत्ति होनी जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भक्ते वासुदेवाय।